ये सत्संग कब मिलता है? जब भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है तब ये जीव को सत्संग प्राप्त होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वै। जब जन्म जन्मांतर का पुण्योदय होता है तब जीव को संत विद्वानों का दर्शन और सत्संग का लाभ प्राप्त होता है। उद्धव जी सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात, मैं सत्य स्वरूप हूं और व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। ऐसा न बोलो जो दूसरे को अप्रिय लगे, और जो चीज अपने को अप्रिय लगती है वो दूसरे को प्रिय नहीं हो सकती है। कोई गाली देता है अगर जो चोट हमको लगती है, हमें ये अंदाज देते कि अगला आदमी भी इसी तरह से परेशान होगा उसी गाली से। और मैंने अजगर को गुरु बनाया कि अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम दास मलूका कही गए सबके दाता। इस संसार को राम जी देते हैं, इस संसार को कोई नहीं खिला रहा है, इस संसार को राम जी खिला रहे हैं और राम जी ही इसे चला रहे हैं। महाराज ये संसार राम जी का है, राम जी खिला भी रहे राम जी चला भी रहे। और दो बातों को याद रखना चाहिए, दुई बातन को याद रख जो चाहत कल्याण नारायण यक मौत को दूजे श्री भगवान। दो चीज याद रखो, एक तो नारायण को और एक अपनी मौत को, क्योंकि जब हम आप यहां से जाएंगे तो हमारे आपके साथ जानते हो क्या होगा। मैं श्लोक बोल दे रहा हूं, अर्थ देखिए जरा क्या होगा कि धनानि भूमो, ये जो कुछ कमाए धरे हो ये सब यही पड़ा रहेगा, कुछ ले नहीं जाना है। पसवास चगोष्ठे हाथी घोड़े और गाड़ियां बंगले सब खड़े रहेंगे नीचे। और एक पुरुष के जिंदगी में उसकी स्त्री सबसे ज्यादा नजदीक होती है उसकी ना, क्या होगा नारी गृह द्वारी। उस पुरुष की जब लाश निकलती है तो महिला ज्यादा ज्यादा घर का दरवाजा पकड़कर रो लेगी, जाने वाली वो भी नहीं है। जना स्मशानी, और आपको जानने वाले लोग गंगा सरयू ताप्ती राप्ती के किनारे चले जाएंगे। फिर क्या होगा देह चितायाम, ये शरीर जब चिता पर लिटा दी जाएगी तो परलोक मार्गे। फिर क्या होगा तो कहा धर्मानुगो गच्छति जीव एका, जीव के साथ क्या जाएगा, यही जो करने आए हो यही मिलेगा, यही साथ जाएगा, बाकी जो अब तक बर्तन मांजे हो बैठ करके उसका कोई मतलब नहीं, यही इतना साथ जाएगा। और कवियों ने तो बड़ी सुंदर लाइन दी है, जाएगा जब यहां से कुछ भी न पास होगा, जाएगा जब यहां से कुछ भी न पास होगा, जब यहां से जाएगा, जब यहां से कुछ भी
पास होगा जाए जब यहाँ से जाए जब यहाँ से कुछ भी न सच होगा कुछ भी न पास होगा भगवान ने कहा उद्धव जी ने कहा ठाकुर जी आपकी पूजा कहाँ करनी चाहिए तो भगवान कहते हैं मेरी पूजा चाहे अग्नि में कर लो चाहे सूर्य में कर लो चाहे चंद्रमा में कर लो चाहे जल में कर लो मैं तो हर जगह विराजमान हूं। भगवान की पूजा करने के लिए स्थल नहीं वो हर जगह विराजमान है आप कहीं से उनका स्मरण कर सकते हैं। भगवान ने कहा उद्धव जी इस संसार में सत्संग से और भागवत धर्म का पालन करने से धर्म करने से सत्य का पक्ष लेने से मैं मिलता हूं बहुत सारे पहलुओं का जवाब दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने देखा कि यदुवंशियों की बुद्धि बिगड़ गई। भगवान जिसको तकलीफ देना चाहते हैं उसकी बुद्धि बिगाड़ देते हैं। भगवान ने कहा कि जब भगवान को पता चला यदुवंश को साफ हो गया है
तो कहा यहां से आप द्वारिका से निकलकर चलिए प्रभास क्षेत्र में, आप सब लोग वहीं भगवत आराधना कीजिए। प्रभास क्षेत्र में आए तो यदुवंशी आपस में लड़ गई परीक्षित। भगवान कृष्ण बलराम जब समझाने लगे तो आग्नेयास्त्र पाशुपतास्त्र सारे शस्त्र समाप्त हो गए और समुद्र में जो लकड़ी बची थी पैदा हुई थी उस डंडे से मारपीट हुई। 99 लाख से ज्यादा जिनकी जनसंख्या थी वे यदुवंशी लड़ते लड़ते समाप्त हो गए। आज बलराम ने भगवान कृष्ण के चरणों पर प्रणाम किया, बलराम जी ने, और कहा कि आपकी कृपा से आपने मुझे बड़ा बड़े भाई बनाकर भेजा, अब काम हो गया है ठाकुर, मैं चल रहा हूं। बलराम जी भगवान के चरणों पर प्रणाम करके और शेष बन करके समुद्र में हिल गए। भगवान बची अकेले। भगवान जाकर के एक पीपल वृक्ष के नीचे ठाकुर जी लेट जाते हैं, अपने दाहिने पैर पर बायां पैर रख करके, और एक जरा नाम का बहेलिया उसने भगवान पर बाण चला दिया। बहेलिया घबराया, भगवान ने कहा घबराओ मत, इस संसार में ही वही होता है जो मैं चाहता हूं, इसके विपरीत कुछ नहीं हो सकता है। भगवान 125 साल इस धरती पर बिता चुके हैं। और भगवान के दिव्य आयुधों को गरुड़ जी उठा करके लेकर के गए और उन्होंने संदेश पहुंचाया कि जो लोग द्वारिका में हैं कह दो खाली कर दे, आज के सातवें दिन वो द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी, मेरे न रहने पर द्वारिका नहीं रहेगी। भगवान पवित्र रूप से परीक्षित जी अपने तेज को भागवत में बरकरार रखा और अलक्षित रूप से आज भी वृंदावन में ठाकुर जी वास करते हैं। गोलोक धाम तो उनका धाम है, आकाश मंडल में देवता लोग भगवान के इस पर्व उत्सव को देख रहे हैं और भगवान अपने दिव्य गोलोक धाम को चले गए। परीक्षित जी उनके आने पर जो आनंद हुआ था उससे ज्यादा कष्ट उनके जाने का है। बोली भक्तवत्सल भगवान की, श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। इधर महाराज परीक्षित जी को भागवत की पीयूष वर्षणी कथा श्री सुखदेव स्वामी जी सुना रहे हैं। सुखदेव स्वामी ने कहा राजन अभी आप 7 दिनों से लगातार सवाल जवाब कर रहे हो मुझसे, अब मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा उसका जवाब तो मुझे दे दो बस। परीक्षित ये बताओ क्या तुम्हारी मृत्यु होगी, मरोगे तुम? परीक्षित जी हंस पड़े, कहा जब मैं पैदा ही नहीं हुआ तो मरूंगा? कहा महाराज आपने तो कहा है कि आत्मा अजर अमर और निर्लेप है, न वो पैदा होती है और न वो मरती है। आत्मा अगर अजर अमर निर्लेप है, वो न पैदा होती है न मरती है, तो न मैं पैदा हुआ और न मैं मरूंगा। सुखदेव स्वामी अपने आसन से उठी और वो भी चल पड़ी। बोली सुखदेव स्वामी जी महाराज की जय। आज 7वां दिन है। महाराज परीक्षित जी ने अपने प्राण पान व्यान समान उदान वायु को पंच प्राण को इकट्ठा किया और वो ब्रह्मलीन हो गए महाराज। इसके बाद तक्षक आकर के परीक्षित जी को डसता है।
परीक्षित जी की मृत्यु तक्षक डसने से नहीं, तक्षक के डसने के पूर्व भागवत भगवान ने उनको दिव्य गति प्रदान कर दी थी, ऐसी ये भागवत की कथा है। इसके साक्षी है परीक्षित जी, जो इस भागवत का श्रवण करता है, मनन करता है, वो परीक्षित जी की तरह संसार से मुक्त हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस भागवत में मार्कंडेय जी महाराज परीक्षित जी के पुत्र जनमेजय जी को समझाए। जनमेजय जी ने सर्प यज्ञ किया और कहा, महाराज भगवान शिव ने भक्ति का वरदान दिया है। श्रीमद् भागवत में 10 लक्षण हैं, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति और मनवंतर ईशान उकथा निरोध मुक्ति और आश्रय। पूरे भागवत का सारांश थोड़ा सा बोल दे रहा हूं। भागवत के प्रथम स्कंद में सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी का जन्म, सुखदेव जी और परीक्षित जी के जन्म का वर्णन, कुंती स्तुति भीष्म स्तुति, परीक्षित जी की सभा में सुखदेव जी का आगमन। भागवत के द्वितीय स्कंद में सद्यो मुक्ति क्रमो मुक्ति का वर्णन है। चतुर्थ श्लोक भागवत की व्याख्या है। भागवत के तृतीय स्कंद में विदुर मैत्रेय संवाद, कपिल देवहूति संवाद, हिरण्याक्ष वध आदि का वर्णन है। भागवत के चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र ध्रुव चरित्र और ध्रुव जी के वंश का निरूपण है। भागवत के पंचम स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, आग्निग्र चरित्र, नाभि चरित्र, जलभरत जी की कथा, जलभरत जी का राजा रघुगण से संवाद, खगोल भूगोल का वर्णन, 28 प्रकार के नरकों की कथा। भागवत के छठवें स्कंद में अजामिल का उपाख्यान, गुरु हत्या का परिणाम, मरुद्गणों की उत्पत्ति। और भागवत के सप्तम स्कंद में प्रहलाद चरित्र नरसिंह देव की कथा और सदाचार शिष्टाचार का वर्णन। भागवत के अष्टम स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन, बलि वामन चरित्र और मत्स्य अवतार। भागवत के नवम स्कंद में सूर्य वंश का वर्णन, चंद्र वंश का वर्णन, अन्य राजवंशों का इतिहास। भागवत के दसम स्कंद में भगवान का प्राकट्य, बाल लीला, रास लीला, कंस वध और द्वारिका लीला इत्यादि। भागवत के ग्यारहवें स्कंद में नव योगीश्वरों का जनक जी से संवाद, भगवान श्री कृष्ण का उद्धव जी से संवाद, यदुवंशियों के साप, यदुवंशियों के नाश की कथा, भगवान की स्वधाम और उद्धव जी का बद्रिकाश्रम जाना। भागवत के बारहवें स्कंद में कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन और सुखदेव परीक्षित जी के, सुखदेव स्वामी का जाना, परीक्षित जी की मुक्ति और मार्कंडेय मुनि ने जो प्रलय देखा उसका वर्णन और भागवत जी के द्वादश स्कंद का सारांश, ये आपको दे दिया गया। जैसे एक श्लोक में रामायण, चार श्लोक में गीता, सात श्लोक में सप्तशती, ऐसे ही पूरे भागवत का सारांश आपके समक्ष निवेदन कर दिया गया। अब एक चीज चलते चलते आपको और बता दूं, आप लोगों ने 7 दिन तक बैठ करके कथा का आनंद लिया और कथा सुनने के बाद अगर कथाकारों को दक्षिणा न दी जाए तो कथा का लाभ नहीं है। एक काम ये करना, आप लोग 7 दिन की 7 चौपाई बोल देता हूं, इन 7 चौपाइयों को डेली पढ़ना। और पढ़ना नहीं, ये मान लेना यही पूरी रामायण है। गोस्वामी जी ने कहा है कि सतपंच चौपाई मनोहर, जान जो नर उर धरे, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। एक एक कांड की एक एक चौपाई है। सबसे पहला कांड है बाल कांड। संसार में सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जोग पानी। दूसरा कांड है अयोध्या कांड की एक चौपाई है, जीवन में उतारना अपना। रघुकुल रीति सदा चलिया,
प्राण जाई पर वचन न जाई। तीसरा कांड है अरण्य कांड की करधाली। अस अभिमान जाई जली भोरे मैं सेवक रघुपति पद मोरे। किस कंधा कांड की चौपाई ले लीडा कि अब प्रभु कृपा करहु ही भांति सब तज भजन करहु दिन राति। चौपाई लेना सुंदर कांड से। कहा हनुमंत विपति अब सोई जब तब सुमिरन भजन न हो। एक लंका कांड से। संत कहाइयसो नीति दसानन चौथे पन जाई ने पकानन। और एक एक लाइन लेना एक उत्तरकांड से कि सरल स्वभाव नमल कुटिलाई जथा लाभ संतोष सदाई। इस सात चौपाई, इन सात चौपाइयों को जो सुबह पढ़ ले समझ लो पूरा रामायण पढ़ लिया उसने। और ये पढ़ने के लिए नहीं कहा हूं, यही पूरे जीवन का रामायण है, इसको जिंदगी में उतार भी लेना। सात दिन आप कथा में आई और यहां से खाली हाथ मत चले जाओ, यहां से कुछ लेकर के जाओ तभी अच्छा रहेगा। आइए मैं प्रत निवेदन करना चाहता हूं इस इतने बड़े कार्यक्रम का जो संयोजन आयोजन चला इसमें विशेष रूप से इसकी व्यवस्था की गई, उन आयोजक मंडल के समस्त सम्मानित सदस्यों को इस पीठ की तरफ से आशीर्वचन, और इस पीठ से उनको आशीर्वचन यह है कि धर्मे मति रस्तु, आपकी मति धर्म में बनी रहे। बस जब मति धर्म में होगी तो संसार में किसी चीज की उनको कमजोरी भी नहीं होगी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बाबू बजरंग सिंह चौहान साहब को, आपका बड़ा अपार प्रेम सहयोग, आदरणीय मुकेश सिंह राजपूत जी और उनकी पत्नी श्रीमती भगवती राजपूत, आपको सहृदय धन्यवाद कि आप लोगों ने सात दिन तक बहुत मेहनत की है और इस आयोजक मंडल के समस्त सदस्यों में मैं आदरणीय श्री पांडे जी अरविंद पांडे जी का, श्री आदरणीय रमेश पाठक जी का, श्री नागेश तिवारी जी का, अन्य में जिनका नाम नहीं जानता, या अपने उन शुभेच्छुओं का, उन शुभ चिंतकों का जिन्होंने किसी भी रूप से इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में सहयोग किया है, उन सबको व्यासपीठ की तरफ से आशीर्वचन। और खास करके विजय लक्ष्मी भाग्य लक्ष्मी शशि रूप रेजिडेंसी के का जितना बड़ा परिवार है, ये तो मैं मेरा जो मानना है ये सब मेरे परिवार के लोग हैं और ये मेरे हैं, इनकी मति धर्म में भगवान लगा देना ये भगवान से कामना करते हैं। इन सब का मंगलमय कल्याण हो। अपने उन सुधीर श्रोताओं को धन्यवाद देता हूं जो बेंगलोर से, हैदराबाद से, मुंबई से, कलकत्ता से, लखनऊ से, जो राष्ट्र के विभिन्न प्रांतों में बैठे कथा का आनंद ले रहे हैं। मेरे पास इतने फोन आ रहे हैं मेरा उठाना मुश्किल हो गया है, मैं फोन नहीं उठा सकता, मैंने रख दिया है उसको, इतने फोन है कि शायद रिसीव नहीं कर सकता। लेकिन आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अपने उन श्रोताओं को धन्यवाद देता हूं जो जहां बैठे हैं वहीं से अपने गुरुजनों को और अपने माता पिता स्त्री के चरणों में सादर प्रणाम करता हूं। और ये भागवत भगवान को नमन करता हूं, ये शब्द पुष्पांजलि
अब श्री राधा माधव के चरणों पर सादर समर्पित करता हूं। अंत में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इन आयोजकों ने हम श्रोता और वक्ता के बीच में एक सेतु का काम किया है। सेतु कहते हैं पुल को, जैसे पुल एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ता है, उसी प्रकार से ये सब दिन रात मेहनत करके कार्यक्रम कराने के लिए यहां तक मुझे लेकर के आए और हमको आपको मिलाया आपस में, इसलिए इनको धन्यवाद दीजिए, इन आयोजक मंडल को धन्यवाद दीजिए, तालियां लगाकर इनका स्वागत कीजिए कि भविष्य में अगर फिर कभी मौका मिला राष्ट्र की धरती पर हम लोगों के स्वास्थ्य से चलती रही तो हम जरूर मिलेंगे। और अपने सुधीय श्रोताओं से निवेदन करते हैं कि जब जहां मेरी जरूरत हो मैं राष्ट्र सेवा के लिए सादर समर्पित हूं, मैं आपके लिए उपलब्ध हूं, उपलब्ध रहूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस देश राष्ट्र समाज के काम में आए। हम लोगों से संपर्क करना हो पहले तो कभी अगर आप अयोध्या आते हैं तो जरूर याद कीजिए, हम आपका आह्वान करते हैं पहले अयोध्या की धरती पर कि एक बार वहां भी आइए। सात पुरिया संसार में है, सबसे पहली पुरी का नाम अयोध्या है और हम लोग वहीं से बिलोंग करते हैं, रहते हैं वहां। ये हमारी सौभाग्य रही कि आप लोगों से भेंट हुई। अगर हम लोगों की आवश्यकता आपको पड़ती है तो वेबसाइट उपलब्ध है, टेलीफोन नंबर उपलब्ध है, गूगल पर सर्च कर लेना, व्हाट्सएप पर सर्च कर लेना, पेज पर सर्च कर लेना, टेलीफोन नंबर ले लेना। इन आयोजकों से हम लोग सदैव आपकी सेवा में तत्पर रहें ऐसी कामना करते हैं। अब समय लगभग नजदीक है, मैं चाहूंगा आदरणीय मुकेश राजपूत साहब आप मंच पर आए, और ये लखनऊ से आए और अयोध्या से आए एक कलाकार बंधुओं का सहृदय सम्मान करें, सबका स्वागत करें। और इस यज्ञ के आचार्य आदरणीय विद्यापति त्रिपाठी जी, आदरणीय अंजनी लाल ओझा जी, आदरणीय त्रिवेणी त्रिपाठी जी, आप सबका सहृदय से हृदय आभार व्यक्त करता हूं कि ये विद्वान बेचारे 4 बजे उठ करके पूजा पाठ के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के और पूजा पाठ दैनिक कर्मकांड कराए, भागवत का संपूर्ण पाठ बांचा गया, कल इस यज्ञ की पूर्णाहुति होनी है। इसके साथ साथ इन आचार्यों को, इन विद्वानों को धन्यवाद, क्षेत्र की परम जनता को धन्यवाद, इसके आयोजक प्रबंधक को धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा आदरणीय आचार्य विद्यापति त्रिपाठी जी माइक लेकर के एक एक संगीतकार बंधुओं का परिचय देते हुए सबको माल्यार्पण करा करके सबका स्वागत कराएं और उसके बाद फिर भगवत भजन संकीर्तन, फिर आरती प्रसाद इत्यादि की व्यवस्था। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। बल नहीं लग रहा है, थोड़ा जोर ना लगे तो हनुमान जी का स्मरण कर लो क्योंकि बहुत बड़े बलशाली हैं। जय। प्रेम से बोलिए हनुमंत लाल की बजरंग बली की जय हो। और थोड़ा जोर से बोलो ग्रह कटिगा तोहरो हमरो सब का। आज के बाद ये राम ग्रह और कृष्ण ग्रह जीवन में बहुत उपयोगी ग्रह है। नवग्रह में शनि राहु पकड़ लेते हैं तो परेशान कर देते हैं, लेकिन राम ग्रह कृष्ण ग्रह पकड़ ले तो कल्याण हो जाता है। प्रेम से बोलिए बजरंग बली की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राजमणि जी को मुकेश भाई माला अर्पण करते हैं, सभी लोग ताली लगाते रहेंगे। श्री धर्मेंद्र जी जो अर्गन और बैंजो दोनों पर संगत करते हैं उनका माल्यार्पण करते हैं, जोरदार ताली लगाएंगे। नरेंद्र शुक्ला जी को मुकेश भाई बढ़िया माल्यार्पण करते हैं, ताली लगाते रहें। ये हमारे संगीतकार कलाकार जन बहुत दूर से आए हैं और बड़े ही श्रद्धा के साथ, बड़े समयबद्धता पूर्वक ये श्रवण जी को माल्यार्पण करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे टीम कमेटी के मालिक श्री मनोज पाठक जी का जो तबला पर सब संगत करते हैं बस। और हमारे परम व्यास जी के लिए और मनोज जी के लिए, समस्त संगीतकार जनों के लिए जोरदार ताली लगाएंगे।
और चैनल वाले भाई के लिए जोरदार ताली लगाएंगे। ठीक है मुकेश भाई, व्यासपीठ के तरफ से मनोज पाठक जी को पूज्य महाराज श्री के तरफ से बहुत सुशोभित किया गया। मैं संजय पांडे जी से निवेदन करूंगा, जो बड़े दूर से आए हैं बेचारे, उज्जैन से आए हैं, वो मंच तक आवे। श्री मुन्नन मिश्रा जी अलीगंज सुल्तानपुर से हैं, वो भी मंच पर आवे। बहुत बहुत स्वागत इन आयोजकों का जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम कराया। एक बार आयोजक बंधु के लिए इतना जोरदार ताली लगा दो सभी लोग, बड़े जोरदार ढंग से, जिन्होंने इस कार्यक्रम में तन मन धन दे करके कार्यक्रम को बहुत सुव्यवस्थित सम्मानित किया है। मुकेश भाई संजय पांडे जी का माल्यार्पण करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दूर दूरस्त से ये समस्त श्रोता भक्तजन आए हैं, ये हमारे बड़े भाई के रूप में भी हैं, उज्जैन से आज उपस्थित हुए हैं और जय पारस टीवी चैनल के माध्यम से समस्त श्रोताओं को जय श्री राधे, जिन्होंने 7 दिन तक अनवरत समय से समयबद्धता पूर्वक भगवान की मंगल कथा श्रवण किए हैं। आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बड़ा सुंदर समय दे करके अपने इस कार्यक्रम में सहभागिता निभाए हैं। एक विशेष सूचना है, कल शशि रूप में हवन का कार्यक्रम पूरा होती है इस यज्ञ के। जो माताएं बहनें भाई बंधु हवन में सम्मिलित होना चाहेंगे वो ठीक दिन में 10 बजे मंडप के पास आ जाएंगे, हवन करेंगे। और गौरीगंज के संबंधित कुछ लोग उपस्थित हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि वो मंच तक आवें, मुकेश भाई उनका माल्यार्पण कर। और मैं निवेदन करूंगा हमारे यज्ञाचार्य जी आदरणीय गुरुदेव भगवान के हमारे छोटे भाई आदरणीय विद्यापति मौसा जी, एक बार जोरदार तालियां लगाएं आपको। और इस यज्ञ के जोरदार तालियां अंजलि लाल ओझा जी हमारे और आदरणीय त्रिवेणी पति त्रिपाठी जी, हम अपने व्यास जी से चाहेंगे कुछ अपने उससे संबोधित करें अपने स्वरित में, जोरदार ताली लगाएं। एक हमारे आदरणीय ये हमारे मौसा जी भी हैं, गुरु भी हैं और मौसा जी के छोटे भाई भी हैं, जोरदार ताली आएंगे। जैसा कि मुकेश जी का स्वागत पूज्य महाराज श्री करते हुए जोरदार ताली लगाएंगे। रमेश भाई पाठक जी, अरविंद पांडे जी आइए, आप इधर आइए, आप संकोच कर रहे हैं। व्यास जी, मुकेश भैया से अपने एक मुकेश भैया से माल्यार्पण भैया हमारे मौसा जी को जोरदार ताले लगाए, बहुत सुंदर। कहना है कि अपने मन में पांडे जी अपने मन में जला लो दिया नाम का, नाम लेते रहो बत सिया राम का, जैसे पानी में पत्थर तैरने लगे वो चमत्कार था राम के नाम का। नाम जिसने लिया है, नाम जिसने लिया है हुआ राम का, सच कहूं बस सदा हो गया राम का। ये न सोचो कि मर करके तर जाएंगे, ये जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, हम उधर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की कीमती, ये रतन सब बिखर जाएंगे। अरे बात मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, अपने घर जाएंगे, अपने घर जाएंगे। और रावल साउंड सर्विस बड़ी अच्छा योगदान दिया भाई, नो थोड़ा बेस बढ़ा दे। चलिए आइए भजन सुनते हैं थोड़ा बेस के, दो उसके बाद भगवत नाम संकीर्तन। हाँ
कि दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा। अभी स्वागत की प्रक्रिया चल रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब व्यासपीठ का सुभाषीष मिल रहा है, जोरदार तालियां भी आप लोगों की बनती हैं, क्योंकि जिंदगी के हर लम्हों में कभी खुशी कभी गम होता है और तालियां भी वही बजाते हैं जिनकी बाजुओं में गम होता है। तो अगर है दम तो जोरदार तालियां बजाएं सूरत वाले। दुनिया से मैं हारा, मैं आया तेरे द्वार, और यहां से जो कर हारा कहां जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा, आया तेरे द्वार, यहां से जो कर हारा कहां जाऊंगा सरकार। छुटकारा न होता, अरे हम रोते ही क्यों,
पिल खा करके कर तू मन प्राण हमारा ना हो और यहाँ पे जो मैं हम कैसों की भी दुकान
इस श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का यज्ञ की पूर्णा होती है। खासकर अपने समस्त सुधीय श्रोताओं से निवेदन है और इस अपार्टमेंट में रहने वाले उन लोगों से खास, जो लोग हवन करना चाहते हैं वो ठीक 10 बजे कल परिसर में उपस्थित हो यज्ञशाला में। किसी के बुलाने के चक्कर में, किसी के कहने चक्कर के चक्कर में मत रहिए। अपने अपने घर से हवन सामग्री अगर है संभव है तो लेना, और नहीं है तो यहाँ व्यवस्था है, आप आकर के 5 आहुति डाल दें, क्योंकि यज्ञ के पूर्णाहुति का बड़ा महात्म शास्त्रों में कहा गया है। यज्ञ के पूर्णाहुति पर वहां पर उपस्थित रहना चाहिए और प्रसाद भी ग्रहण करना चाहिए पूर्णाहुति का। इसलिए आप सबको सादर आमंत्रित करते हुए, सहृदय धन्यवाद देते हुए, आइए तालियां लगाते हुए थोड़ा भगवान नाम जप करें, उसके बाद फिर आरती होगी। अंकुर पांडे जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, उसके बाद प्रसाद लेकर के आप जाएंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। छोटे भैया अंकुर पांडे जी अगर आवाज सुन रहे हैं तो कृपया मंच पे आ जाएं। अंकुर पांडे। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। ये जीवन की नैया किनार लगा ले, किनार लगा ले, ये जीवन की नैया किनार लगा ले, किनार लगा ले, जीवन की नैया किनार लगा ले, किनार लगा ले, जीवन की नैया किनार लगा ले, किनार लगा ले, संभाले न भाई संभाले, न बाप संभाले न भाई संभाले, न भाई संभाले न बेटा संभाले, न भाई संभाले न बेटा संभाले, एक दिन तू होगा मगनी के हवाले, मगनी के हवाले, एक दिन तू होगा मगनी के हवाले, मगनी के हवाले, जीवन की नैया किनार लगा ले, किनार लगा ले, गोपाल गा ले, गोविंद गा ले, गोपाल गा ले, गोविंद गा ले, गोपाल गा ले, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे सीता हरे सीता 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 हरे हरे, हरे अंकुर पांडे जी जहां कहीं भी हो वो मंच तक आ जाएं।
प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। वो बेस्ट हैं कहीं या सेठ की जय, सवरिया सेठ की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सभी भक्तजन अपने आसन से उठकर खड़े हो जाएं, भागवत जी की मंगलमय आरती करें। खूब मंगलमय भाव से बड़ी श्रद्धा के साथ ठाकुर जी की मंगलमय आरती करें और व्यास पूजन करें और व्यवस्था बनाए रखे, आप व्यवस्था न करें। बहुत शांति के साथ भगवान की मंगल आरती प्रारंभ करें। हरे ओम मा चंद्रमा मन सुजात चक्षु सूर्यो अजायत श्रोता द्वायुष्य प्राणस्य मुखाद निरजायत श्रिय कांताय देवाय कल्याणाय निधेर्थिनाम श्री भयंकर निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम लक्ष्मी शुभ ब्रह्मालोका शुभ्रो विभ्रम चक्षुषे चक्षुषे सर्वलोकानाम श्री वेंकटेशाय मंगलम। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ मोक्ष पंथ पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ मोक्ष पंथ पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान जग मंगल की आरती, पापियों को पाप है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत वाला हरि दर्श कराने वाला। दुख करणी दुख हरणी दुख करणी दुख हरणी मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुरी बोल भव पंथ खोल आगे बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। बोल बोल मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। करे पूर्व गांव सजावतारम उसके प्रभाव सजावतंतम विद्यावरुण भवम
मुंडा तेहरा का महिमाना सचंद्र यात्रा पूरे साध्या संत देवा सेवंती का प्रकुल चंपक पाटलाभ्ये नाग जात कर मेल रसाल पुष्प बेला प्रवाल तुलसी दल मंजरे त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद सुगंधवल्ली शतपत्र जात सुवर्ण चंपा बकुलो भवानी ग्रहण देवेश माया पितानि प्रभो हरे श्री पुष्पांजलानि नाना सुगंध पुष्पाणि कालोपवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त ध्यान परमेश्वर श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमोमि वंदनोमि। जो जहाँ से हैं वहीं से मत्था नीचे झुका करके भागवत जी को व्यास जी को प्रणाम कर ले। प्रेम से बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कांवरिया सेठ की जय। कांवरिया सेठ की जय। अंबे मैया की जय। गंगा सरयू महारानी की जय। अयोध्या नाथ भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सत्य सनातन हिंदू धर्म की जय। अखंड भारत राष्ट्र की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। कलियों में सद्भाव हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। पार्वती पते हर हर महादेव। काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर 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 महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांतिर्भवतु। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, शांति का परिचय बनाए रखें, अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप सबको आरती मिलती है, प्रसाद मिलेगा, बिना प्रसाद लिए कोई